हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज बात करने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग। और हाँ, आज का जो एक टॉपिक मैंने लिया है वो बहुत ही ज्यादा हॉट टॉपिक भी है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है हम सब लोगों के लिए। पहली चीज तो ये है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज, एक सवाल करना हमें पूरी तरीके से बंद करना होगा। वो कौन सा सवाल है? कि हमारा जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वो कब खत्म हो जाएगा? क्योंकि बहुत सारी कॉल्स मैसेजेस के अंदर ये क्वेश्चन जरूर होता है, ये कब खत्म हो जाएगा इसके बारे में हम लोगों को पहले से नहीं पता है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ये जब भी खत्म हो जाएगा हमारे सामने आ जाएगा। तो मेन चीज क्या है? रेड सर, मार्टी सर, क्रिस जॉनसन सर, जूली मैडम एंड कुशविंदर ढिल्लन सर एंड बहुत सारे हमारे और भी ग्लोबल लीडर्स हैं, वो हमें समय समय पर जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। और जब भी इन्फॉर्मेशन आती है आपको पता है कि वो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अभी हम सब लोगों के मन के अंदर जो है, हमारे हार्ट के अंदर एक पेशेंस हमेशा बना रहना चाहिए। क्योंकि यहां पे अगर हमने पिछले 2, 3, 4, 5, 6 साल से अगर हमने पेशेंस रखा है तो यहां पे कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए पेशेंस रखा है। हमारा एक बिलीफ सिस्टम है ऑन पैसिव के ऊपर, इसलिए हमने यहां पे पेशेंस रखा है। और यहां पे मैंने ही नहीं बल्कि हमारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं उन्होंने भी जो अपना पेशेंस आज भी बना के रखा हुआ है। तो क्योंकि वो वहां पर चीजों को देख रहे हैं, बनते हुए देख रहे हैं और बहुत सारे जो ग्लोबल लीडर्स हैं और भी बहुत सारे लीडर्स हैं हैदराबाद जाकर के भी ऑफिस को देख विजिट कर चुके हैं। लास्ट ईयर 2021 या 22 की बात है ये, तो वहां पर भी जाकर के विजिट कर चुके हैं। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो बिल्कुल रियल है। तो यहाँ पे अभी रेड सर ने अपने लाइव सेशन के अंदर बहुत सारी बातें हम लोगों से कही और वो हमेशा लाइव आते हैं और मैं उनको हमेशा फॉलो भी करता हूँ। और वो वहां पे जो भी चीजें होती हैं, जिस तरीके का उनका डिस्कशन होता है, उनका डिस्कशन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। बहुत सारी चीजें यहां पर जल्दी कंप्लीट होने वाली हैं, जी हाँ, उन्होंने साफ साफ कहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन बहुत ही जल्दी कंप्लीट होने वाली है। इसका मतलब यह है कि हम अपनी सफलता के बहुत ज्यादा करीब है। कितना करीब है ये तो नहीं पता। कंपनी हमारे लिए दिन रात काम कर रही है, इसमें कोई भी शक नहीं है, क्योंकि हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं, कई सालों से यहां पर बने हुए हैं। और हम सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार कर रहे हैं पता है आपको? वो है पैसे इनकम का, वो है टोटल फ्रीडम का। क्योंकि हर एक व्यक्ति यहां पर पैसे की राह देख रहा है, यहां पर हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास जो है जल्दी से जल्दी इनकम यहां पर आ जाए। और जब जल्दी से जल्दी इनकम आएगी तो उसकी बहुत सारे ऐसे बिगड़े हुए काम है वो उसको बनाना चाहता है। मैं अपने बिगड़े हुए कामों को बनाना चाहता हूं, लेकिन यहां पे अभी हमें ऑन पैसे के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं होना है। इस बात को भी आप ध्यान रखें, जब तक यहां पर सारी चीजें अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक हमें यहां पर पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना है। अभी इसमें थोड़ा बहुत वक्त लग सकता है, लेकिन फिलहाल हमें 2024 तक तो इंतजार करना पड़ेगा, एज जिस तरीके से हमारे एस मुफारिसर ने कहा है। विद इन 6 मंथ के अंदर हमें कुछ यहां से इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, लेकिन हमें कब मिलेंगी, कैसी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, इसके लिए हमें अपडेट रहना भी जरूरी है, सही लोगों को फॉलो करना भी जरूरी है। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, खासतौर से अगर हम यूट्यूब की बात करें फिलहाल अभी, जी हाँ, वैसे तो फेसबुक के ऊपर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है, लेकिन यूट्यूब को सबसे ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो जिन लोगों को आप सही तरीके से अच्छा मानते हैं, सही इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप उन लोगों को लगातार फॉलो करते रहे। मैं भी लगातार फॉलो करता हूं रेड सर, मार्टी सर, क्रिस जॉनसन सर, जूली मैडम, माइकल विलियम सर, गुसविंदर ढिल्लन सर एंड ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं। लेकिन अगर कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो तुरंत आपको पता चल जाती है, क्योंकि हो सकता है कि आपने गुसविंदर ढिल्लन सर की वीडियो ना देखी हो, आपने मार्टी सर की वीडियो ना देखी हो, आपने हो सकता है कि जूली मैडम का आपने मैसेज ना देखा हो, लेकिन हो सकता है कि आपने मेरा देख लिया हो सकता है कि आपने किसी दूसरे का देख लिया हो। तो इस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। अभी कल को एकदम से, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि केवाईसी का एकदम से आ गया कि सर आपकी कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि यहां पर केवाईसी होने वाली है, तो आपको कैसे पता चलेगा? ये एक एक करके ऐसे ही पता चलेगा, क्योंकि जिन लोगों को आप फॉलो करते हैं तो वो भी किसी को फॉलो करते हैं। जब ये केवाईसी या वेबसाइट हमारी ओपन हो गई है या कुछ ऐसा हो गया है, इस टाइप की कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको तुरंत ही पता चल जाती है और आप अपना अकाउंट लॉग इन करके देखना भी शुरू कर देते हैं। तो ये हमें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ एंगेज रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंफॉर्मेशन जो भी आएगी वो आपके साथ जरूर यहां पर शेयर की जाएगी, कोई भी किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन आएगी जरूर शेयर की जाएगी। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, अरे क्वेश्चन तो मार्केट में आते ही रहते हैं,
जी हाँ, मार्केट में दुनिया भर के क्वेश्चंस हैं। अगर आप उनके आंसर देने पर लग जाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा जी कब दिन निकला और कब रात हो गई। आप पूरे दिन आंसर ही देते रहोगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऑन पैसिव यहीं पर ही रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। ऑन पैसिव कहीं नहीं जाने वाली, एसपी फारे सर हम सब लोगों के बीच में ही है। यहां पर हम सब लोग पूरी तरीके से एक्साइटेड हैं और आप भी एक्साइटेड रहिए। चिंता करने की बिल्कुल बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी कंपनी एलएलसी के अंदर रजिस्टर्ड है और एलएलसी के अंदर जो है कोई घिसी पिटी कंपनियां या कोई भी जो है एक ऐसी फ्रॉड कंपनी जो है कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होती है। गूगल का रजिस्ट्रेशन, फेसबुक का रजिस्ट्रेशन, यूट्यूब का रजिस्ट्रेशन, इंस्टाग्राम, एमेजोन, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग से पैसा लोगों को कमाने का मौका देती हैं या डिजिटल तरीके से पैसा कमाने का मौका देती हैं। ब्लॉग बनाने से लेकर के ब्लॉग बनाकर भी लोग पैसा कमाते हैं। तो ऐसे कहीं से भी डिजिटल तरीके से जो भी पैसा कमाते हैं, इन सारी कंपनियों को एलएलसी के अंदर रजिस्टर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अपनी कंपनी भी एक एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर ही काम करने वाली है और अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देने वाली, और इस कंपनी को एलएलसी के अंदर जो है रजिस्टर्ड होना इसलिए मस्ट है। और अपनी कंपनी एलएलसी के अंदर रजिस्टर्ड है, ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी एलएलसी, कभी भी सर्च करेंगे तो आपको यही नाम दिखाई देगा गूगल के ऊपर। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कोई इंसान कुछ भी कहता रहे, कोई क्या फर्क पड़ता उसे, कंपनी को थोड़ा सा समय चाहिए। कंपनी को समय चाहिए क्योंकि कंपनी अपनी सारी चीजों को सही तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में, जब तक वो नहीं कर लेती तब तक हम लोगों को पैसा कैसे पहुंचेगा। हमारा जो आखिरी रिजल्ट होगा वो होगा हमारे अकाउंट के अंदर इनकम पहुंचना, लेकिन उससे पहले उस अकाउंट में इनकम पहुंचने के लिए बहुत सारे रास्तों से गुजरना पड़ेगा। तो उन रास्तों से गुजरने के लिए सारा का सारा काम चल रहा है, जिससे कि किसी भी टाइप का कोई भी रास्ते में कोई बग्स ना आ सके, कोई फ्रॉड ना हो सके, कोई हमारा जो एक सिस्टम है वो हैक ना कर सके, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जी हाँ सारी प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम पीछे छोड़ते हुए धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। हम बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। हमें बिल्कुल चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत भी नहीं है। एंड रेड सर की इन्फॉर्मेशन से बहुत कुछ हमें वहां पर पता भी चलता है। यहां पर हम बहुत ही जल्दी अपनी सफलता के करीब भी आ रहे हैं और अपना एक स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट कंपनी के ऊपर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि ये ट्रस्ट का बिजनेस है, ट्रस्ट की कंपनी है। अब हम सभी लोग यहां पर विनर्स हैं, जी हाँ सभी लोग विनर्स हैं। ये लास्ट मोमेंट में आकर के अगर हम पीछे भाग जाएंगे, इसको छोड़ देंगे, कुछ हम उल्टा सीधा हरकतें करने लगेंगे, ये कहां का ये आपका थिंकिंग है। हमें लास्ट मोमेंट में आकर के उल्टा सीधा काम बिल्कुल भी नहीं करना है। हम यहां पर विनर बन चुके हैं, जी हाँ हम यहां पर विनर पूरी तरीके से बन चुके हैं। बस थोड़ा सा समय की बात है। यहां पर हम यहां पर जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हमें कोई हरा ही नहीं सकता, क्योंकि यहां पर हारना हमारी डिक्शनरी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। हम सभी लोग यहां पर एसर की इंफॉर्मेशन के अलावा किसी दूसरे की इंफॉर्मेशन पर भरोसा नहीं करते हैं। जो भी एसर बताते हैं, वीकली बताते हैं, हम उनको सुनते हैं और सुनने के बाद आपको भी बताते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी हाइप क्रिएट नहीं हो रही है यहां पे। बिल्कुल जिस तरीके से काम चल रहा है बैकएंड पे वो चल रहा है, वो हमें बाद में पता चलेगा कि कितना काम हो गया, कितना बाकी रह गया। लेकिन अभी हमें किसी भी टाइप का कोई भी एक हाइप क्रिएशन जैसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो यहां पे अपने आप को थोड़ा सा शांत रखना है। यहां पर सबसे ज्यादा जो फोकस किया जा रहा है वो है वैल्यू के ऊपर। वैल्यू एक सबसे बड़ी चीज है। अगर आपने अपनी वैल्यू को बना लिया, अगर आपने अपनी फेस वैल्यू को बना लिया, अगर आपने अपने ट्रस्ट को बना लिया, अगर आपने अपने विश्वास को बना लिया इस बिजनेस के अंदर, इस दुनिया के अंदर, तो पैसा कमाना तो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, पैसा कमाना तो चुटकियों का खेल हो जाएगा। तो यहां पे सबसे ज्यादा जो एक वैल्यू क्रिएट की जाती है, सबसे ज्यादा उसी पे ही सबसे ज्यादा मेहनत लगती है और उसी पे ही सबसे ज्यादा एक ब्रांड बिल्डिंग पे जो है सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो आपको अगर अपना बिजनेस बिल्ड करना है तो बिजनेस बिल्ड करने से पहले आपको अपना फेथ बिल्ड करना पड़ेगा, एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। इस दुनिया के अंदर आपको अपनी एक ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप जो चाहेंगे वो बिकेगा, जो चाहेंगे वो बिकेगा, लेकिन वो भी वो बिकेगा जो दूसरे के काम आ सके। ये नहीं कि आपकी बस फेस वैल्यू आपकी बन चुकी है तो आप मिट्टी भी बेच देंगे, नहीं, मिट्टी भी बेच सकते हैं लेकिन वो उस काम की होनी चाहिए, वो जिस काम के लिए आप उसे दे रहे हैं। मिट्टी भी बेच सकते हैं लेकिन वो उसके काम आने चाहिए, जिस काम से आप उसे दे रहे हैं। तो आपने फेस वैल्यू को, अपनी ब्रांड वैल्यू को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसी क्रिएशन पर जो है कंपनी काम कर रही है। क्योंकि एक बार एस मुफारिसर ने कहा था
मनी ऑलवेज फॉलो द वैल्यू, मनी ऑलवेज फॉलो द वैल्यू। अगर हम वैल्यू को फॉलो करेंगे तो मनी अपने आप ही पीछे पीछे भागती आएगी, अपने आप ही पीछे पीछे भागती आएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को क्रिएट कर लिया है। और जब आप अपनी वैल्यू को क्रिएट कर लेते हैं तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता। और जब कोई भी प्रोडक्ट किसी भी कंपनी का एक आम जनता के बीच में पहुंच जाता है ना, तो वो उस दिन ब्रांड बन जाता है। और इस ओ कनेक्ट को, ओ ट्रैकर को, और जितने भी हमारे प्रोडक्ट हैं, इन सभी को आम जनता के बीच में पहुंचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और 100% ये जरूर पहुंचेगा, कोई प्रोडक्ट हो उस दिन हम पूरी तरीके से दुनिया के अंदर ब्रांड होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो इन इट टू विन इट। जीत हमेशा उसी की होगी जिसकी तैयारी अच्छी होगी।